हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएसके ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन IQ U1 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। दोस्तों, प्राइस रेंज के हिसाब से इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 4500 mAh की बैटरी एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं IQ U1 स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कब तक और कितने प्राइस पॉइंट के अंदर ये फ़ोन मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसके अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा। एंड इसके साथ ही आपको रियर साइड में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा विद LED प्लस भी देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले पैनल होगा, जिसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। और इसके साथ ही आपको दो लेंस और देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर होगा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। वहीं पर अगर बात करें इसके सेल्फी शूटर के बारे में, तो दोस्तों, इसके फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी दमदार प्रोसेसर है, जो कि इससे पहले हमें रेडमी नोट 9 प्रो और रियलमी 6 प्रो जैसे ब्रांड में देखने को मिल चुका है। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और 18 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके अंदर आपको USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसके रैम वेरियंट के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर 3 रैम वेरियंट में लॉन्च होगा, 6GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में इसके बेस वेरिएंट की प्राइस होगी, यानी कि 6GB प्लस 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस होगी 12,000 से लेकर 14,000 रुपये के बीच। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक तक लॉन्च हो सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।